हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज काटेंगे आलू, मोटे वाले आलू काटेंगे। तो चार चक्कू लेकर आए हैं, चार जने काटेंगे, मैं, पापा जी और दादाजी और दादी। रिया नहीं काट रही और सौरभ जा रहा है दुकान पर, तो इसलिए हम चार जने काटेंगे। तो दादाजी पता नहीं कहाँ गए हैं, तो पापा जी कॉल कर रहे हैं, तो दादाजी आएंगे, तिरपाल निकलेगी जब आलू कटेंगे। तो दादी जी लेकर आई हैं राख, जो आलू कटेंगे, जो मोटा आलू है वो कटेंगे, तो उनमें राख लग जाएगी। राख कट कट के नहीं, फिर क्या होता दादी, बह जाएंगे वो। फिर उनमें कुछ मत फायदा किया है राख लगने से, वो सड़ेगा ना, जारी पड़ जाएगी जल्दी। सड़ेगा नहीं, जाली पड़ जाएगी जल्दी। तो अब करते हैं आलू काटने की तैयारी, और मैं तो खेतों में डूल रहा हूँ क्योंकि सुबह का मौसम है और मिट्टी बहुत ठंडी लग रही है। तो देखो, मैं तो चप्पल उतार के ना वो डूल रहा हूँ, मैं तो चप्पल उतार के खेतों में डूलने लग रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं ठंडी। और इधर दादाजी और दादी जी तैयारी कर रही हैं आलू काटने की। तो चलते हैं अब घर और आलू लेकर जा रहा हूँ मैं। तो देखो, ये रहे आलू, और अभी तो पापा जी काटने लग रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं, राख ख़त्म हो गई है ना, तो राख कल कटेंगे। अब थोड़े से चैकट्टे रह गए हैं और राख ख़त्म हो गई थी, इसीलिए फिर मैं तो आ गया। तो पापा जी आ चुके हैं खेत पर से, तो अब कूलर रखेंगे। जो कूलर था हमारा, वो काफ़ी दिन हो गए, एक महीना से हो गया जब से चला नहीं है। तो दादी जी कह रही थी इनको कूलर को ऊपर रख देना। अब कूलर को ऊपर रखने के लिए मैं जा रहा हूँ नीचे। तो ये रहा कूलर, ये कूलर ऊपर पहुँचाना है, तो इसके ये खोलने पड़ेंगे पहले ये पार्ट, तो इनको खोलते हैं। तो कूलर हटा दिया, तो कैसा लग रहा है देखो, यहाँ से तो देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और देखो, और बाहर से भी रात को देख सकते हैं, दिन में रात में वो तो हम पर्दा लगा देंगे। और देखो इधर रिया उधम मचाने लग रही है इन भैयाओं से, नए भैया हमारी सूखा पहलवान भैया हमसे उधम मचा रही है। देखो बार बार झाड़ू इसकी उनके मुँह में रख देती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।